गुड इवनिंग फ्रेंड, चलिए देखते हैं प्लॉट साइज 26 फीट बाय 26 फीट का प्लान फेसिंग ईस्ट है, 2 BHK का प्लान है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण 26 फीट है तथा पूरब से पश्चिम भी 26 फीट है। इसमें पीछे 2 बेडरूम का प्रावधान किया गया है। दोनों बेडरूम का साइज रखा हुआ है 10 फीट बाय 10 फीट का, ऐसे 10 फीट और ऐसे भी 10 फीट। इसमें 2 यहाँ और यहाँ, ये सेल्फ देख रहे हैं, सेल्फ दिया हुआ है। बीच में टॉयलेट है जिसका साइज ऐसे रखा हुआ है 4 फीट 4 इंच और ऐसे 7 फीट है। D1 का साइज 3 फीट 3 इंच बाय 7 फीट है, जबकि D2 का साइज 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का है। इसमें एक वेंटिलेटर दिया हुआ है टॉयलेट में पीछे 15 इंच बाय 15 इंच का, और यह 2 खिड़कियाँ हैं W1, दोनों का साइज है 2 फीट 7 इंच बाय 4 फीट 6 इंच। और ये हॉल है अप्रॉक्स 12 फीट, ऐसे 11 फीट 11 इंच और ऐसे 10 फीट 6 इंच का है ये। और ये किचन है, 1 फीट 9 इंच की चौड़ाई में कुकिंग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। किचन का साइज है ऐसे 6 फीट और ऐसे 6 फीट 3 इंच। यहाँ पर भी D2 का प्रावधान किया गया है 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का, और ये D 3.5 फीट का ये गेट है, मेन गेट। और यहाँ W का साइज रखा हुआ है 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का, और इसमें किचन में एक W2 प्रोवाइड किया गया है 3 फीट बाय 2 फीट का। और इस साइड में ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेयर केस है, 2 फ्लाइट में बटा हुआ, दोनों फ्लाइट की चौड़ाई रखी हुई है 3 फीट का। ट्रेड यहाँ पर भी 9 इंच है, जबकि राइजर 6 इंच रखा हुआ है। ये पीछे आपका प्रोजेक्शन है, ये लैंडिंग जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट है, और यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के इस जगह तक 3 फीट है। इसमें 2 वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है, V1 ये दोनों का साइज रखा हुआ है चौड़ाई में 1 फीट 6 इंच का। और ये इसका देखिए, ये फ्रंट एलिवेशन बन रहा है, ये यहाँ यही किचन के सामने वाला, ये किचन में खुल रहा है ये W2, जबकि ये हॉल में है। ये है ऐसे 3 फीट और ऐसे 2 फीट, और ये 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का। और ये मेन इंट्रेंस हो गया 3 फीट 6 इंच 7 फीट का, और ये स्टेप्स है 2 फीट 6 इंच रखा हुआ है। यहाँ पर भी प्लिंथ हाइट, ये भूल भले बस ऐसे वेंटिलेटर बन गए, दोनों के बाद बनेगा ये, बीच में गैप रहेगा, एक इधर से 1 फीट 6 इंच की चौड़ाई में और एक इधर से देना है। तो फ्रेंड यही था आज का प्लान, तो आशा है प्लान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए प्लान के साथ अगले दिन। थैंक यू, गुड नाइट।